हेलो फ्रेंड्स, कुमार इलेक्ट्रॉनिक में फिर से आपका स्वागत है। आज एक और मेरे पास अकाई का टीवी है, जो कि इसमें रोशनी जो ट्यूब पर आती है ना, वो काफ़ी आध घंटे पौन घंटे के अंदर आती है, ये कस्टमर का कहना है। तो हम आइए सबसे पहले चेक करेंगे कि इसमें जो लेट डिस्प्ले आने का क्या कारण है। सबसे पहले दोस्तों, ये मैं टीवी को ऑन करके दिखा रहा हूँ तो इसके बेसिस धुआं निकल रहा है, महक भी आ रही है। तो धुआं तो आप देख ही सकते हो, क्योंकि ये कुछ बेस शॉर्ट हो रहा है, इसके कारण ये वायरिंग वगैरह जो भी है इसकी। तो मैं सबसे पहले इस बेस को निकालूंगा, सेट बंद कर लें पहले। इस बेस को निकाल के चेक करूंगा कि इसमें बर्न कहाँ से हो रहा है और क्या प्रॉब्लम बन गई इसके अंदर। दोस्तों, ये मैंने बेस निकाल लिया है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये बेस अंदर से, जो ये बेस है ना, आप देख सकते हो, ये अलग से इसकी जो मेन पिन है ना, ये वाली, ये इसकी शॉर्ट हो चुकी है और अच्छे से बर्न हुई है ये। तो मैंने इसमें अभी नया बेस डाल दिया है और पुराना बेस ये है दोस्तों, जो आप देख सकते हो पीछे से भी कितनी अच्छी तरीके से ये बर्न हुआ है। इसके कारण ये शॉर्ट हो रहा था, इसलिए टीवी ऑपरेट नहीं हो रही थी। और अगर चल भी जाती है ना, तब भी ये आध घंटा पौन घंटे में दोस्तों चलती थी। अभी ये टीवी बिल्कुल ओके हो चुकी है, ऑपरेट हो रही है, आप देख सकते हो। मैं आपको पास से दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि इतनी दूर से आपको समझ में नहीं आएगी। अकाई का ये टीवी आप दोस्तों देख सकते हो, ये बिल्कुल सही चलने लगी। इसमें जो लेट पिक्चर आने की जो प्रॉब्लम थी वो बेस से ही थी, क्योंकि बेस इसका शॉर्ट हो रहा था दोस्तों, इसलिए ये लेट ऑपरेट हो रही थी। अब ये पूरी तरीके से सही टाइम टू टाइम ऑपरेट होने लगी है। तो मैंने आपको ये इसकी डिस्प्ले दिखा दी। अभी मैं आपको ये, जैसे कि आप देख सकते हो, चल रही है। अभी मैं इसमें ऑडियो वीडियो लगाऊंगा तो आपको वीडियो भी इस पर सब नज़र आएगा। लगा लेता हूँ मैं दोस्तों, ये वीडियो ऑडियो वीडियो मैं लगा रखा हूँ। अब आप देख सकते हो कि टीवी का वीडियो बिल्कुल इजीली और बहुत ही बढ़िया आ रहा है। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।